Subscribe and click the bell icon for television updates. सच में बोर हो रही है या किसी ने कुछ कहा तो? हाँ तो सच में बोर हो रही थी, ठीक है, अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। दर्द इंसान को अकेले रखना बोर, बात हम जानते हैं। अब हम इस शो में धीरे धीरे इस लेवल पे आ गए हैं कि सरोज ने अपना जो गुस्सा है सयूरी के लिए या कान्हा के लिए वो दिखाना शुरू कर दिया है। अभी तक वो सिर्फ बता रही थी कि हम नहीं चाहते कि ये शादी हो या हम नहीं चाहते कि वो लड़की हमारी लाइफ में आए, लेकिन अब आ ही गई है तो इट इज़ टाइम। जैसे सरोज का कैरेक्टर है कि वो प्यार भी टूट के करती है और नफ़रत भी टूट के करती है, तो आई थिंक सरोज का जो पहली वाली साइड थी प्यार वाली वो ख़त्म होके अभी नफ़रत वाली साइड पर हम लोग आ गए हैं। आपने कहा था ना उसे कपड़े धोने को, कितने सारे वो आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, गुस्सा नहीं किया, कुछ कहा नहीं हमसे, इसका मतलब यही है हम सही कह रहे हैं। एज अ मदर ऑफ दिस शो आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू व्हाट माय कैरेक्टर फील्स एंड व्हाट माय कैरेक्टर इज प्लान्ड to go ahead with this particular story. So सरोज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो definitely जो चीज़ पसंद नहीं है वो definitely दिखाएगी। हाँ, दिखाने का तरीका I think गलत हो सकता है, पर अगर इंसान ही गलती कर सकता है, आगे जाके I will expect के सरोज को ये realize हो कि वो जो कर रही है गलत कर रही है, खुद तकलीफ़ में है इसलिए दूसरों को तकलीफ दे रही है, तो शायद इस चीज़ को एक लॉजिकल कल्मिनेशन मिल सकता है। ठीक है मैम, मैं वॉशिंग मशीन है कपड़े धोने तो बाकी कामों के लिए और लोग, फिर भी अगर कोई बात हो तो आप हमसे ऐसी सारी चीज़ें करना, दिखाना, सोचना, अगर कुछ हो रहा है तो उसे ना रोकना ये भी गलत ही है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहा हो तो बहुत ही गलत बात है। हम कौन सी सदी में जी रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और हम लोग अभी भी इन सब चीज़ों में अटके रहेंगे तो लाइफ में आगे कब बढ़ेंगे। मैं एक माँ बनना पसंद करूँगी, उसमें मैं खुश हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मैं सास कभी बन नहीं पाऊँगी, अगर बनूँगी तो एक अच्छी माँ ही बनूँगी। अनुज को तो बहुत मिस कर रही हूँ मैं, हमारी नॉर्मली इंस्टा पे वगैरह या व्हाट्सएप पे बातें होती रहती है, और जल्द ही आई थिंक वी विल प्लान टू मीट सून, कुछ पार्टी वार्टी करेंगे। उठा चाकू और डाल दे हमारे सीने में, बर्दाश्त नहीं होते नाम तुझसे, खत्म कर दे हमें, हम भी नहीं जीना चाहते, ये रोज रोज तिल तिल मरने से तो अच्छा है एक ही बार में सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम भी अब जीना नहीं चाहते, थक गए इस दुख और तकलीफ से, हम एक बेटे को हमसे छीन लिया, दूसरे को हमारे खिलाफ कर दिया, तीसरे को अपनी तरफ कर रही है। हमारा ये शो है वो तो है अलबेला, देखते रहिए, और जो अच्छा है एंजॉय कीजिए, जो बुरा है वो खुद कभी मत कीजिएगा, अपने लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से प्यार करिए, उनको टाइम दीजिए और सोशल मीडिया से दूर रहिए। ये भी ले ले और खत्म कर दे सब कुछ, हम भी नहीं जीना चाहते, अब थक गए हैं रोज रोज के दुख और तकलीफ से, अब हम भी नहीं जीना नहीं चाहते, मार डाल और सब कुछ खत्म कर दे। पैनिक में आ गई,